चाणक्य ने लगभग 2300 साल पहले ही इंटेलिजेंस सिस्टम विकसित कर लिया था। चाणक्य ने लगभग 2300 साल पहले ही इंटेलिजेंस सिस्टम विकसित कर लिया था, जो आज के रॉ या CIA जैसी एजेंसियों की तरह काम करता था। इन दोनों वॉइस में से कौन सा वॉइस अच्छा लगा? ज्यादातर लोगों को सेकंड वाला वॉइस अच्छा लगा होगा, क्योंकि इसको रेडी करने में कुछ स्टेप्स यूज हुए हैं, जैसे कि स्क्रिप्टिंग, सिलेक्शन, एडिटिंग, इक्वलाइजिंग एंड मोर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। क्या आप भी इस तरह की वॉइस एडिटिंग करना चाहते हैं, जिससे आपका AI वॉइस एकदम रियल जैसा लगे? तो आज हम जानेंगे कि कैसे आप अपने वीडियोस के लिए एक परफेक्ट AI वॉइस ओवर तैयार कर सकते हैं, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से AI वॉइस मोनेटाइज होते हैं और कौन से नहीं। तो वीडियो में बने रहें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले, एक शानदार वॉइस ओवर के लिए एक सॉलिड स्क्रिप्ट चाहिए। स्क्रिप्ट लिखने के लिए आप अपने फोन के नोट्स ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सिंपल है और सबके पास अवेलेबल होता है। स्क्रिप्ट लिखते वक्त ध्यान रखें कि वो बातचीत जैसा हो, मतलब ऐसा लगे जैसे आप अपने दर्शकों से डायरेक्ट बात कर रहे हैं। एक बात और, स्क्रिप्ट के लिए ChatGPT पर कंप्लीटली निर्भर नहीं होना है। देखो, ChatGPT से थोड़ा बहुत हेल्प ले सकते हो, जैसे कि वर्ड्स को करेक्ट करवाना या फिर कुछ आइडिया लेना, लेकिन स्क्रिप्ट को कॉपी पेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। आप लोग इस तरह से स्क्रिप्ट को खुद अपने तरीके से लिख सकते हो। एक बार स्क्रिप्ट तैयार हो जाए, उसे 2-3 बार पढ़ लेना है, ताकि आपको पता चले कि कहीं कुछ अजीब तो नहीं लग रहा। स्क्रिप्ट तैयार होने के बाद अब टेक्स्ट को वॉइस में कन्वर्ट करना है। इसके लिए किसी भी TTS टूल का इस्तेमाल कर सकते हो। तो चलते हैं वॉइस को जेनरेट करने। वॉइस के लिए 11 लैब्स का ही यूज कर लेते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग 11 लैब्स से ही वॉइस को जेनरेट करते हैं। 11 लैब्स तो सबको यूज करना आता ही होगा, फिर भी अगर किसी को कोई दिक्कत है या VPN प्रॉब्लम आ रहा है तो इस वीडियो को देख सकते हैं। एक और बात, वॉइस जेनरेट करते टाइम 11 लैब्स के वॉइस सेटिंग्स और वर्जन को एडजस्ट करना बहुत जरूरी है। इसके लिए आप अपने स्क्रिप्ट का एक छोटा सा पैराग्राफ यूज कर सकते हैं, ताकि आपको अपने वॉइस ओवर के लिए सही सेटिंग मिल पाए। बस अब एक एक करके सभी वर्जन्स को सिलेक्ट करके वॉइस को चेक करना है कि कौन सा वर्जन आपके लिए बेस्ट है। अब बस थोड़ा बहुत सेटिंग को एडजस्ट करके एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन ढूंढ लेना है और वॉइस को जेनरेट कर लेना है। एक बार परफेक्ट कॉम्बिनेशन मिल जाए तो उसको सेव करना ना भूलें, ताकि आगे चल के कोई परेशानी ना हो। वॉइस तो जेनरेट हो गया, लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि वॉइस ओवर में छोटे छोटे गैप्स या पॉज होते हैं, जो अननेचुरल लगते हैं। इस तरह के वॉइस फैक्ट चैनल या शॉर्ट्स चैनल में ज्यादा यूज होते हैं, क्योंकि वॉइस ओवर के गैप्स को मैन्युअली हटाना बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए हम ऑडियो लैब का यूज करेंगे। ऑडियो लैब पर जाकर नीचे स्क्रोल करना है और साइलेंस रिमूवल पर जाकर अपने ऑडियो को सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद रिमूव ऑल साइलेंस पर क्लिक करके डेसिबेल को एडजस्ट करना है। नॉर्मल वीडियो के लिए 90 परफेक्ट रहेगा और फैक्ट चैनल जैसे वॉइस के लिए 80 से 85 तक रखना है। अब ओके पर क्लिक करना है। थोड़ा लोडिंग होगा, उसके बाद टिक पर क्लिक करके ऑडियो को सेव कर लेना है। अब आपको लेक्सिस ऑडियो एडिटर पर आ जाना है, जिससे हम ऑडियो में थोड़ा एडिट करेंगे। सबसे पहले इस ओपन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके ऑडियो को अपलोड कर देना है। अब इस 3 डॉट्स पर क्लिक करके इफेक्ट्स वाले ऑप्शन में जाना है। इसमें बहुत से ऑप्शंस हैं, लेकिन हमें बस एम्पलीफायर वाले ऑप्शन को यूज करना है। और अगर आपको ऑडियो के पिच को चेंज करना हो तो आप चेंज पिच वाले ऑप्शन को भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए एम्पलीफायर को यूज करके ऑडियो को थोड़ा एडिट कर लेते हैं। आपको थोड़ा बहुत ही एडजस्ट करना है। हर एक एडजस्टमेंट के बाद ऑडियो को प्ले करके सुन लेना है, ताकि पता चले कि एडजस्टमेंट सही हो रहा है या नहीं। एक बार एडजस्ट करने के बाद सेटिंग्स ऑटो सेव हो जाती है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट टाइम आपको बस ऑडियो अपलोड करना है और एम्पलीफायर पर जाकर अप्लाई कर देना है। अब हमारा ऑडियो एकदम रेडी है, तो ऑडियो को सेव कर लेते हैं। तो अब थोड़ा ज्ञान का बात हो जाए। देखो, ये जो हमने AI वॉइस ओवर बनाया है, ये मोनेटाइज हो जाएगा। और अगर आप बिना एडिट के भी AI वॉइस यूज करते हो तो वो भी मोनेटाइज हो जाएगा, क्योंकि YouTube को आपके कंटेंट के वीडियो से मतलब होता है। तो आप लोग AI वॉइस को अपने वीडियोस के लिए यूज कर सकते हो। तो दोस्तों, ये था पूरा प्रोसेस एक परफेक्ट AI वॉइस ओवर बनाने का। एक और बात, अपने वॉइस ओवर को वीडियो के साथ सिंक करते वक्त ध्यान रखें कि टाइमिंग परफेक्ट हो।
अगर आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ।